देखिए, छठ पूजा का ये त्यौहार, ये उपवास रखा जाता है अपने परिवार की खुशहाली के लिए। और यकीन मानिए, परिवार खुश तब रहता है जब परिवार में हर कोई मुस्कुराए और एक दोस्ती का एहसास हो, फिर चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। अब देख लीजिए, गुम है किसी के प्यार में वो सई जो पाखी के नाम से तिल मिला उठती थी, अब जब सई और विराट का जो रिश्ता है वो दोस्ती पर आधारित है तो खुलकर हर इशू पर बात कर रही है। जी हाँ, दोस्ती ना कमाल की चीज़ है। अगर आप पाखी दीदी के साथ भागने का कोई प्लान बना रहे हैं तो बता दीजिए। क्या? हाँ, बता दीजिए, मैं आपके स्पोर्ट शूज तैयार कर दूंगी ना, आपको भागने में आसानी होगी। थोड़ी नहीं, पूरी हिली हुई हूँ। जैसा कि आजकल सई कहती रहती है कि विराट सर के साथ उसे ये दोस्ती वाला रिश्ता खूब पसंद आ रहा है, तो देखिए इस रिश्ते का असर कैसे सई और विराट दोनों पर हो रहा है। आई बाबा की एनिवर्सरी खत्म हुई तो कमरे में इन दोनों को वक्त मिला एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने का। अब हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हम दोस्तों की तरह साथ में वक्त बिताते हैं और फिर अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। हाँ, अब मैं उस कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा ना। आप थोड़े लूनर टाइप के हो ना, मैं और मेरी तन्हाई वैसे। अब जिस बात को लेकर सई और विराट में झगड़ा हुआ था, मौका देखते हुए विराट ने वो बात छेड़ी। उस दिन रेस्टोरेंट में वो पाखी से मिलने गया था तो क्या बातचीत हुई दोनों के बीच, उसने पाखी का हाथ क्यों पकड़ा, इस बात को लेकर सई का मन काफी दुखी था। फिर क्या आज विराट ने उन सभी बातों को क्लियर कर दिया। पाखी उस दिन क्या को संभालने के लिए, शांत करने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा। आउट ऑफ सिंपैथी, कोई वजह नहीं। वैसे आप अचानक मुझे उस कैफे वाली बात के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं पहले से ही बताना चाह रहा था तुम्हें, लेकिन तुम मुझसे पता नहीं इतनी चिड़ी हुई थी कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने जाऊँ वहाँ तुम्हारा ज्वालामुखी पड़ता था। अब सई का मन भी हल्का हुआ और विराट का भी, लेकिन आपको बता दें कि विराट थोड़ा सा चौंक भी गया क्योंकि सई ने इतनी समझदारी की बातें जो की। वैसे आप नहीं भी बताते ना तो भी इतना तो मैं जानती हूँ कि आप बाकी दीदी के पास लौट कर नहीं जाते, क्योंकि आप अपने भाई को धोखा नहीं दे सकते। हैरानी मुझे इस बात की है कि बाकी दीदी ये बात नहीं जानते, वो तो मुझे आपसे पहले से जानती है। अब सही, आप धीरे धीरे सयानी हो रही हैं, तो वही विराट को अब आप पर और भी प्यार आएगा। आप दोनों के फैंस यही चाहते हैं कि दोस्ती वाला रिश्ता जल्द से जल्द प्यार में बदल जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।